नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से की सभी जिलाधिकारियों संग कोविड 19 पर समीक्षा बैठक। डेथ रेट कम करने, टेस्टिंग बढ़ाने और मास्क न पहनने वालों के साथ सख्ती के निर्देश। 30 नवम्बर को कार्तिक पूर्णिमा पर डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार की श्रद्धालुओं से अपील। कहा, कोरोना काल में अपने घरों में ही करें मां गंगा का स्मरण, हरिद्वार ना आकर प्रशासन का करें सहयोग। उत्तराखंड में इंटरनेट सुविधाओं और मोबाइल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए बीएसएनएल प्रतिबद्ध। सीजीएम सतीश शर्मा ने कहा, हाई स्पीड डेटा नेटवर्क से तीर्थयात्रा, ट्रैकिंग और स्वास्थ्य पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। और सरीसृप जीवों को सड़क दुर्घटना से बचाने के लिए रामनगर के कालाडूंगी रेंज में अनोखे पुल का निर्माण। सड़क के ऊपर रस्सी, बांस और घास से बनाया गया 70 मीटर लंबा पुल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड 19 की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि कोविड डेथ रेट को कम करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि कोविड के कारण जिन लोगों की मृत्यु हो रही है उसका पूरा विश्लेषण किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि किसी भी कोविड के मरीज को जरूरत पड़ने पर हायर सेंटर रेफर किए जाने में बिल्कुल भी विलंब न किया जाए। उन्होंने रिकवरी रेट बढ़ाने के लिए अधिक प्रयासों की जरूरत पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जिलों में टेस्टिंग और तेजी से बढ़ाई जाए। आरटीपीसीआर टेस्ट पर विशेष ध्यान दिया जाए। एंटीजन टेस्ट में नेगेटिव पाए जाने वाले व्यक्ति सिम्टोमेटिक हैं तो उनका 100% आरटीपीसीआर टेस्ट हो। उन्होंने सैंपल लेने के बाद शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे और पर्वतीय क्षेत्रों में 48 घंटे के अंदर लोगों को कोविड की रिपोर्ट उपलब्ध कराए जाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और देहरादून में कोविड के नियंत्रण के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे। मास्क न लगाने पर जिन लोगों के चालान किए जा रहे हैं उनको मास्क जरूर उपलब्ध हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य कोविड से लोगों को बचाना है, न कि चालान कर राजस्व वसूलना। बिना मास्क दिए चालान करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सर्दियों, आगामी हरिद्वार कुंभ, योग महोत्सव और पर्यटन की दृष्टि से आने वाले कुछ महीनों को चुनौतीपूर्ण बताया और जागरूकता अभियानों पर जोर दिया। राजधानी देहरादून में कोरोना संक्रमण के फिर से रफ्तार पकड़ने के बाद जिला प्रशासन ने बाजार की साप्ताहिक बंदी को सख्ती से लागू करने के आदेश जारी किए हैं। इस दिन सिर्फ जरूरी वस्तुओं से संबंधित प्रतिष्ठानों और दुकानों को ही खोलने की अनुमति रहेगी। देहरादून तहसील की बात करें तो यहां रविवार को बाजार बंद रहेंगे। जिलाधिकारी डॉ आशीष श्रीवास्तव की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि साप्ताहिक बंदी का आदेश अभी भी लागू है। इसके बाद भी तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठान इसका पालन नहीं कर रहे थे। उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट समेत सभी उपजिलाधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वो अपने अपने क्षेत्र में साप्ताहिक बंदी को सख्ती के साथ लागू कराएं। यदि कोई प्रतिष्ठान बंदी के दिन खुला पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम व महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। जो बाजार तहसील वाइज पहले एक ऑर्डर निकला हुआ है, जब नवरात्र के पहले ये फॉलो भी किया जा रहा था बहुत स्ट्रिक्टली, उसको उस ऑर्डर के बेसिस पे जो साप्ताहिक बंदी जिस बाजार की जिस दिन है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। फल, सब्जी, दूध, दवा, पेट्रोल पंप और एलपीजी गैस सिलेंडर, ये जो एजेंसीज हैं इनको छोड़ करके सभी कमर्शियल प्रतिष्ठान जो है उस दिन बंद रखे जाएंगे। और ये साप्ताहिक बंदी का अनुपालन सभी स्ट्रिक्टली सुनिश्चित करें। नगर निगम इस दिन बड़े लेवल पे सैनिटाइजेशन भी अभियान भी चलाएगा और जो लोग इस आदेश का अनुपालन नहीं करेंगे उनके अगेंस्ट फिर महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम में कार्रवाई भी की जाए। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को आज सुबह एम्स से डिस्चार्ज कर दिया गया है। एम्स के डॉक्टरों ने उन्हें अभी एक सप्ताह होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी है। दरअसल कोरोना संक्रमित होने के बाद राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को इलाज के लिए 23 नवंबर को एम्स ऋषिकेश में भर्ती किया गया था। पिछले 8 दिनों से एम्स की 5 सदस्यीय विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनके स्वास्थ्य की नियमित तौर से मॉनिटरिंग कर रही थी। लगभग पूर्ण स्वस्थ होने पर आज सुबह उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज दिया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए
एम्स अस्पताल प्रशासन के डीन प्रोफेसर यूबी मिश्रा ने बताया कि अब वो पूर्ण तौर से एसिम्प्टोमेटिक हैं और इस अवधि के दौरान उनमें कोविड का कोई नया लक्षण विकसित नहीं हुआ है। प्रोफेसर मिश्रा ने कहा कि उन्हें अभी एक सप्ताह तक होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। गवर्नर मैडम को आज सवेरे 10:30 बजे एम्स ऋषिकेश से डिस्चार्ज कर दिया गया है। उनके सिम्टम्स प्रारंभ होने के 10 दिन हो चुके थे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से उनको डिस्चार्ज किया जा सकता था। वो पूर्णतया एसिम्प्टोमेटिक हैं, कोई नया कोविड का सिम्टम डेवलप नहीं हुआ है। उनको जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं सारे लिखित रूप में दिए गए हैं तथा एक फिजिकल रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम भी बताया गया है, जिसको फॉलो करने से और जल्दी उनकी फिजिकल स्थिति में सुधार आएगा। उनको ये एडवाइस किया गया है कि 7 डेज होम आइसोलेशन रखना है। आगामी 30 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान के लिए हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं से डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने कोविड 19 के दृष्टिगत अपील की है। अपनी इस अपील में उन्होंने लोगों से निवेदन किया है कि कोरोना काल में अपने घरों में ही मां गंगा का स्मरण कर स्नान करें और प्रशासन का सहयोग करें। इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा का स्नान 30 नवंबर को पड़ रहा है। आप सभी जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हरिद्वार में पूरे उत्तर भारत से लगभग 10-15 लाख तीर्थयात्री स्नान करने आते हैं, और ये भी आप सब जानते हैं कि हाल के दिनों में कोरोना के संक्रमण में फिर से वृद्धि हुई है। दिल्ली में तो तीसरी वेव चल पड़ी है, कई अन्य राज्यों में दूसरी वेव चल रही है, तो ऐसे में कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार प्रशासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा स्नान को हरिद्वार में होने से रोका जाए। तो मैं आप सबसे अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं कि कृपया करके इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा स्नान हेतु हरिद्वार न आए। आप अपने अपने घरों में या आसपास जहां आपको जगह मिलती है वहां पे कार्तिक पूर्णिमा स्नान कर लें, जिससे कोरोना संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी, क्योंकि जब लाखों लोग एक जगह इकट्ठा होंगे तो ये निश्चित है कि एक व्यक्ति से दूसरे हजारों लोगों को कोरोना फैल सकता है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन और उसमें गति प्रदान करने के लिए चंपावत जिले के विभिन्न विकासखंडों में सुविधा शिविरों का आयोजन किया गया। इन शिविरों के जरिए स्वरोजगार से जुड़ने वाले उद्यमियों की समस्याओं का निस्तारण किया गया। जिले के लोहाघाट बाराकोट पाटी में 25 से 27 नवम्बर तक चले सुविधा शिविर में ऋण प्रदाता एजेंसियों, रोजगार प्रकोष्ठ और शासन के कर्मचारियों द्वारा स्वरोजगार से जुड़े उद्यमियों की वित्तीय समस्याओं का निस्तारण कर स्वरोजगार संबंधी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। जिला उद्योग विभाग चंपावत के कोऑर्डिनेटर पंकज चौहान ने बताया कि सेवा क्षेत्र के लिए आवेदन करने वाले कई लोगों को बैंकिंग समस्याओं के कारण वित्तीय स्वीकृति नहीं मिल रही थी। ऐसे में बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर संबंधित व्यक्तियों की समस्याओं को दूर करते हुए 90 से अधिक लोगों के ऋण स्वीकृत किए गए। हमारे पास इस बीच 15 कैंडिडेट्स आए हैं और उनके जितने भी कागज संबंधी उनके डॉक्यूमेंट्स, उनको जो दिक्कतें आ रही थी उनको यहाँ पर हमने रिजॉल्व किया, और उसके अलावा जो कुछ नए लोग आए थे जिनको इसके बारे में जानकारी दी, और बैंक ने अभी तक 30 केस डिस्बर्स किए हैं और बाकी अभी सैंक्शन के लिए पेंडिंग है, और जैसे जैसे लोग हम तक पहुंच रहे हैं हम उनको चेक करके। पूर्व में भी लगातार ये प्रक्रिया चली हुई है, जब से ये कार्यक्रम चालू है, जब से स्वरोजगार योजना लॉन्च हुई है तब से लगातार बैंक इसको कोशिश कर रहे हैं और इस शिविर में काफी लाभ हुआ है लाभार्थियों को। भारतीय स्टेट बैंक के नोडल अधिकारी जनार्दन चिलकोटी ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए जिन लोगों ने आवेदन किया था उनके दस्तावेज पूरे न होने के बावजूद उनकी सहायता करते हुए उनके लोन स्वीकृत किए गए, जिसका उद्देश्य यह था कि जो भी आवेदन साक्षात्कार उपरांत बैंकों को प्रेषित कर दिए गए हैं उनको अगर कोई परेशानी दिक्कतें आ रही हैं तो वो इन स्थलों पर चंपावत में जहां जहां ये कैंप लगाए गए हैं वहां पर आकर अपना बैंक के साथ सामंजस्य बनाकर ऋण वितरण की कार्यवाही करवा सकते हैं। जो भी आवेदन आता है उसको ससमय निस्तारित कराकर लोगों को ससमय जो है इस योजना का लाभ दिया जा सके।
केंद्र सरकार के निर्देश के बाद बीएसएनएल उत्तराखंड में इंटरनेट सुविधाओं और मोबाइल नेटवर्क को मजबूत करने का काम कर रहा है। उत्तराखंड के सीमांत और दुर्गम गांवों में यूएसओ निधि द्वारा वित्तीय सहायता से मोबाइल टावरों की स्थापना की जा रही है। इसके साथ ही भारत नेट परियोजना के तहत ग्राम पंचायतों और गांवों के लिए ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी और राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पर खास फोकस किया जा रहा है। बीएसएनएल के सीजीएम सतीश शर्मा ने बताया कि दूरदराज क्षेत्रों में टेलीकॉम नेटवर्क के विस्तार से स्थानीय लोग टेलीमेडिसिन, टेली शिक्षा और घर से काम करने सहित ई सेवाओं का लाभ लेने के लिए 4G के हाई स्पीड डाटा नेटवर्क का उपयोग करने में सक्षम होंगे। उन्होंने कहा कि इससे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रा, ट्रैकिंग और स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी। दुर्गम क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र उत्तराखंड देवभूमि, उनके काफी कहना चाहिए सरकार की प्राथमिकता सूची में है और यहाँ पर जल्दी से जल्दी हम किस तरह से खास करके इंटरनेट सुविधाओं का विस्तार करें सो दैट अभी जो कोविड महामारी और इस तरह की परिस्थिति है इसमें इवन हमारे दूरस्थ गांवों में लोग उसका उपयोग कर सकें और लाभ उठा सकें। तो उनका प्राइमरी फोकस तो इसी बात पे था कि दूरस्थ गांवों में आप जल्दी से जल्दी ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधाओं का विस्तार करें, मोबाइल सेवाओं का विस्तार करें। सरीसृप वर्ग के जीवों को सड़क दुर्घटना से बचाने के लिए रामनगर के कालाडूंगी रेंज में एक अनोखा ब्रिज बनाया गया है। दरअसल सड़क के ऊपर बनाए गए इस लकड़ी के इस ब्रिज में रेंगने वाले जीव आसानी से सड़क पार कर सकेंगे। विभाग द्वारा 2 लाख की लागत से बनाए गए इस 70 मीटर लंबे इको पुल का निर्माण रस्सी, बांस और घास का प्रयोग कर किया गया है। रामनगर वन प्रभाग के डीएफओ चंद्रशेखर जोशी ने बताया कि इस पुल का निर्माण वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए किया गया है, जो अपने आप में प्रदेश में किया गया पहला प्रयोग भी है। देखिए, रामनगर वन प्रभाग में हमारे द्वारा भी कालाडूंगी नैनीताल मोटर मार्ग में एक इको ब्रिज का निर्माण किया गया है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जो सरीसृप हैं, हमारे छोटे जीव जंतु हैं, वो रोड को क्रॉस करते समय कई बार एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, तो उनको एक अल्टरनेट रास्ता प्रोवाइड करने के लिए भी हमने इसको बनाया है और ये पूरी तरीके से प्राकृतिक उत्पादों के जैसे जूट की रस्सी और हमारे बैम्बूस, इन सब चीज़ों से बनाया गया है। अभी हम इसके ऊपर घास, पत्ते, इस टाइप की चीज़ें भी डाल रहे हैं ताकि एक माइक्रो क्लाइमेट तैयार किया जा सके और इसको जो है सरीसृप, जो हमारी रेप्टाइल्स, सांप, अजगरी सब इसको यूज कर सकें। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद सूबेदार स्वतंत्र सिंह का पार्थिव शरीर आज पंचतत्व में विलीन हो गया। उनका अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ उनके गांव उडियारे के पैतृक घाट में किया गया। वीर सपूत की शहादत को नमन करते हुए उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने राज्य सरकार की ओर से शहीद के परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की और मैं कह सकता हूं कि इसका जवाब जो है भारतीय सेना जरूर देगी। हमारे प्रधानमंत्री जी देश की रक्षा के लिए हर क्षण जो है अपने पूरा समय देते हैं और आज एक नौजवान फिर हमसे जो है बिछड़ गया है, लेकिन मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक बड़ा निर्णय किया गया है कि कोई भी अगर शहीद होता है तो उसके परिवार से एक आदमी को नौकरी देने का काम हमारी सरकार की घोषणा है और हम निश्चित रूप से इस पर अमल करेंगे। आपको बता दें कि बीते गुरुवार को पाकिस्तानी सेना की ओर से सीज फायर का उल्लंघन करते हुए भारतीय सेना पर की गई फायरिंग के दौरान गोली लगने से जनपद पौड़ी गढ़वाल के ब्लॉक द्वारीखाल के उडियारे गांव निवासी सूबेदार स्वतंत्र सिंह शहीद हो गए थे। प्रदेश के पर्यटन एवं सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने रुद्रप्रयाग जिले के जखोली, अगस्त्यमुनि और उखीमठ विकासखंडों में बाढ़ सुरक्षा योजनाओं के साथ ही पर्यटन विभाग के अंतर्गत पर्यटक स्थल ग्राम रांसी का शिलान्यास किया, साथ ही करोड़ों रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को केन्द्र और राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने जाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जनपद रुद्रप्रयाग के पर्यटक स्थल कार्तिक स्वामी, चिरबटिया आदि को पर्यटन मानचित्र पर लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के समाचारों में आज बस इतना ही। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है
डीडी न्यूज उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज उत्तराखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें, साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।